लेट्स स्टार्ट। अप्रैल 2019, इसमें ना इस पर्टिकुलर टर्म में इफ यू डाउनलोड द जिप फाइल, तो इसमें देखो तीन अलग अलग इन्होंने स्प्रेडशीट शेयर किया था सोल्यूशन करने के लिए। बट अभी रिसेंटली जितने भी, एंड दिस वाज आई थिंक फॉर वन और टू टर्म्स, उसके बाद से इन्होंने एक ही स्प्रेडशीट शेयर किया है, उसी में यू विल बी हैव टू सॉल्व ऑल द क्वेश्चन। ठीक है, सो बेसिकली क्या होगा, क्वेश्चन वन में अगर पांच पार्ट है, तो क्वेश्चन वन पार्ट वन पार्ट टू पार्ट थ्री ऐसे करके डिफरेंट शीट्स दे मेक एंड दे गिव इट टू यू। सो तुम लोग को वही शीट यूज करना है एंड उसी में यू विल हैव टू वर्क। ऑलराइट, सो लेट्स स्टार्ट, वी विल स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन। नाउ एक दो चीजें हैं जो समझ लेते हैं कि एग्जाम में यू विल हैव 1 hour 50 minutes, दैट 50 minutes इंक्लूड्स योर 1 hour 50 minutes इंक्लूड्स योर डाउनलोडिंग। अपलोडिंग के लिए एडिशनल टाइम मिलता है, बट यू हैव टू क्लोज योर फाइल एटलीस्ट 2-3 minutes पहले, क्योंकि आई हैव सीन स्टूडेंट्स फेसिंग इशू दैट फाइल का सेविंग टाइम अगर एक्सीड हो जाता है 1 hour 50 minutes से, तो आपका लास्ट मॉडिफाइड टाइम चेंज हो जाएगा। आपके हर फाइल में एक लास्ट मॉडिफाइड टाइम होता है, तो एक बार अगर वो चेंज हो गया देन इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट। मतलब क्या होता है, एग्जामिनर्स या फिर इंस्टीट्यूट विल गिव यू अ मेल कि भाई आपका क्यों लेट हुआ, रीजन बताओ, तो बहुत झमेला है। डोंट फॉल इन दैट। 5 minutes पहले अपना शीट बंद कर दो सेव करके एंड देन अपलोड इट। दिस इज वन थिंग। सेकेंड थिंग इज आपको अनजिप करना है। सो वेन आई वॉज डाउनलोडिंग, तो देख लो एज अ जिप फाइल, वेन आई गो टू डाउनलोड, तो ये एज अ जिप फाइल दिख रहा है, इधर जिप है, एज अ जिप फाइल डाउनलोड हुआ है। ठीक है, तो ये जो एज अ जिप फाइल डाउनलोड हुआ है, इसको अनजिप करना होता है। अनजिप दो तीन तरीके से आप कर सकते हो। वेन यू ओपन दिस फाइल, यू कैन जस्ट क्लिक ऑन एक्सट्रैक्ट ऑल। द मोमेंट यू क्लिक ऑन एक्सट्रैक्ट ऑल, तो जहां पे भी आपको एक्सट्रैक्ट करना है, आपको डाउनलोड्स में करना है, आपको डेस्कटॉप में करना है, वेर एवर यू फील यू कैन ब्राउज एंड यू कैन, फॉर एग्जाम्पल मुझे डेस्कटॉप में करना है, आई क्लिक ऑन डेस्कटॉप एंड आई विल सिलेक्ट फोल्डर एंड आई विल जस्ट एक्सट्रैक्ट। तो अब इससे क्या हुआ, देखो जब आप डेस्कटॉप में जाओगे तो डेस्कटॉप में आपके देखो ये सारे क्वेश्चन पेपर्स आ गए, मतलब स्प्रेडशीट आ गया आपका। क्लियर है, दिस इज वन अप्रोच, बट आई डोंट प्रेफर दिस वन। वॉट आई डू इज मैंने डाउनलोड करा, ठीक है, ये मेरा जिप फाइल डाउनलोड हुआ एंड जिप फाइल मेरे डाउनलोड फोल्डर में चला गया। ठीक है, डाउनलोड में चला गया, डेस्कटॉप में चला गया, वेर एवर। मैं क्या करती हूँ, मैं इसको डेस्कटॉप में ले लेती हूँ, या मैं डेस्कटॉप में ही बाय डिफॉल्ट आई डाउनलोड इट, एंड देन व्हाट आई डू इज आई ओपन दिस एंड देन आई स्ट्रेट अवे लाइक जस्ट टेक ऑल दिस फाइल सिलेक्ट करके मैं इसको जहां मुझे लेना है मैं ले लेती हूँ। अभी तीन फाइल है, बट अभी जो हम करेंगे उसमें एक ही फाइल होगा। लाइक अभी सारे एग्जाम्स में आपके एक ही फाइल आ रहे हैं रिसेंटली, पहले के में दो तीन फाइल्स आते थे बट अभी एक ही फाइल आता है। So you all can just select this and you can put it on in the desktop or in downloads and वहीं से straight away you can start solving. ठीक है, तो ये एक method है why unzipping is important. If you don't unzip and you straight away open the file from here and you start solving and आप उसको save नहीं कर पाओगे, आपका सारा work जितना आपने किया वो सब lose हो जाएगा। ठीक है, वो actually save कहीं ना कहीं होता है जाके, बट देन वी डोंट वॉन्ट टू गो इन टू दैट। मोस्टली आप अपना फाइल लूज कर दोगे एंड दिस इज समथिंग विच हैज हैपेंड टू स्टूडेंट्स इन पास्ट एंड दे हैव फेल्ड ऑब्वियसली, बिकॉज उन्होंने किया पूरा अच्छे से, उन्होंने पूरा कम्प्लीट किया पेपर, बट उन्होंने अनजिप नहीं किया एंड दे स्टार्टेड वर्किंग ऑन दिस फाइल इटसेल्फ एंड व्हाट हैपेंड, दे लॉस्ट ऑल देयर वर्क। ठीक है, सो दिस इज समथिंग विच यू हैव टू कीप इन माइंड। डाउनलोड करना है, डाउनलोड करते ही क्वेश्चन पेपर मत खोलना, उसके पहले ही जस्ट मेक श्योर यू अनजिप इट। इसको आप राइट क्लिक करके भी अनजिप कर सकते हो, लाइक इफ यू गो टू दिस फोल्डर, अच्छा मैंने डेस्कटॉप में डाल दिया है, सो यहाँ पे यू जस्ट राइट क्लिक ऑन इट एंड यू कैन जस्ट अनजिप इट। ठीक है, एक्सट्रैक्ट ऑल यहां से, तो दिस इज अनदर अप्रोच विच वी कैन डू। ऑलराइट, तो मेक श्योर आप अनजिप करके फिर आपका जो फोल्डर बन रहा है, आप उस फोल्डर जो फाइल बन रहा है उस फाइल पे आप